हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट फ्रूट टोस्ट। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे टोस्टेड ब्रेड के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगाने से। यहाँ आप न्यूटेला या कोई भी दूसरी चॉकलेट स्प्रेड यूज कर सकते हैं। चॉकलेट की मीडियम लेयर ब्रेड के ऊपर लगाने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट के अच्छे से फ्रीज हो जाने के बाद इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम की लेयर लगाएंगे। अगर आपको ज्यादा क्रीमी पसंद है तो आप और थिक लेयर लगा सकते हैं। फ्रूट्स की टॉपिंग के लिए आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ हम अनार से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा सा केला, कटे हुए आम, अब कटे हुए सेब, रेड और ग्रीन कलर की चेरीज, रोस्टेड काजू और बादाम, और ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डालकर इसे सर्व कर देंगे। रेडी है हमारे चॉकलेट फ्रूट टोस्ट। इनको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, जिसमें नीचे हम चॉकलेट स्प्रेड नहीं लगाकर सीधा व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद इसमें सारे फ्रूट्स डाल लेंगे, केला, अनार, आम, सेब, दोनों चेरीज, रोस्टेड काजू और बादाम, और थोड़े से चॉको चिप्स। और इस तरीके से रेडी है हमारा क्रीमी फ्रूट टोस्ट। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगा वो ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।